इस समय पूरे देश में हंगामा बरपा है कि आखिरकार मंत्रियों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी के एजुकेशन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं उसी को आज हमने अपने लोकतंत्र में मुद्दा बनाया है, और जिस तरीके से बात उठ रही है इसमें सभी बातों पर चर्चा करना भी लाजमी है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा पर उठे सवालों ने हमारे नेताओं की शैक्षिक योग्यता को लेकर फिर बहस छेड़ दी है। हालांकि ईरानी की शिक्षा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने तो विपक्ष का ही धर्म निभाया है, लेकिन कई और दलों ने इसे गैर जरूरी मुद्दा करार दिया है। नेताओं का मानना है कि शिक्षा से ज़्यादा जरूरी योग्यता और ज्ञान है, और किसी को भी उसके काम के आधार पर ही परखना चाहिए। टीवी पर कुछ वक्त पहले एक प्रोग्राम आता था, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? समय के साथ लोग इसे भूल गए, लेकिन इन दिनों ये फिर चर्चा में है। वजह है हमारे विधायकों की शिक्षा। 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में पहुंचे विधायकों में 14 विधायक ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए और महज साक्षर हैं। 3 विधायक पांचवी पास हैं, 23 विधायक आठवीं पास हैं, 41 विधायकों ने 10वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि 76 विधायक 12वीं पास हैं। 239 सदस्य स्नातक या उससे ज्यादा पढ़े हैं। यूपी असेंबली का जहाँ तक सवाल है, मंत्री समेत 14 लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपना नाम ही लिख पाते थे, स्कूल ही नहीं गए कभी, और उसके अतिरिक्त सिर्फ 60% लोग ग्रेजुएट थे, बाकी सब ग्रेजुएट से कम, कोई 5वें तक पढ़ा, कोई 8वें तक पढ़ा, ये था। अगर सरकार में मौजूद मंत्रियों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री विधायक सुरेंद्र सिंह पटेल कभी स्कूल नहीं गए, बेसिक शिक्षा मंत्री कैलाश चौरसिया और कारागार राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी केवल 8वीं पास हैं, तो कृषि राज्य मंत्री राजीव कुमार 10वीं पास हैं। इसी तरह 6 मंत्री ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं। अब ये हाल यूपी सरकार में मौजूद मंत्रियों का है तो सवाल उठना लाजमी ही है, लेकिन एडीआर के लिए कई सर्वे कर चुके अंशुमाली का मानना है कि शिक्षा को सत्ता से जोड़ना ठीक नहीं है, शिक्षा और योग्यता में काफी फर्क होता है। परफॉर्मेंस बेस होती है आपकी वैल्यूज और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों का एक इंटेलिजेंट ब्लेंड जब होता है आपकी पर्सनालिटी में, तब आप विकास की बात कर सकते हैं, और ये दोनों चीज आवश्यक हैं। इसलिए अभी से मेरे ख्याल से इस बात को लेकर चर्चा करना, ये एक मेन मुद्दे से हटने की बात है। यूपी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के विधायकों की शिक्षा के अध्ययन से साफ दिखता है कि सत्ता के शिखर तक जाने के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। केंद्र में स्मृति ईरानी की शिक्षा और योग्यता पर उठे सवालों ने इस बहस को हवा दी है कि शिक्षा जरूरी है या फिर योग्यता और ज्ञान। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ। आपने देखा इस रिपोर्ट को जिसमें साफ तौर पर है कि किस तरीके से शिक्षा को लेकर इस समय जो बवाल मचा है, उसमें कई एक्सपर्ट से भी मानते हैं कि शिक्षा एक बेसिक आधार तो हो सकता है, लेकिन मंत्री बनने के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसके परफॉर्मेंस को रीड करना होगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। निशान साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह की बहस शुरू हुई है कांग्रेस की तरफ से, पहले कहा गया कि वो 12वीं पास हैं, दोबारा कहा गया कि उनके हलफनामे में कुछ चेंजेज हैं, लेकिन 2012 में राज्यसभा के लिए जब उन्होंने नामांकन भरा था उस समय का एफिडेविट, 2014 में जब वो अमेठी से चुनाव लड़ने गई उस समय का एफिडेविट एक है, और जहां तक रही बात कि उन्होंने 2004 में क्या भरा था उसको लेकर के बीजेपी कई नेता कह रहे हैं कि टाइपिंग एरर भी हो सकता है, और एफिडेविट में कुछ गलत जानकारियां तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दी गई थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो आखिरकार जो आखिरी दो एफिडेविट है वो दोनों एक जैसा है, 2012 जिसके बलबूते पर राज्यसभा में आज है, और 2014 जो अभी अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा था वो तो कॉमन एजेंडे पर है। तो आखिर कांग्रेस किस बात पर लड़ना चाहती है, उनके गलत एफिडेविट के आधार पर या 12वीं पास है केवल उस आधार पर? नहीं नहीं देखिए विनय जी, हम फिर वही बात कहेंगे कि राजनीति में शैक्षिक योग्यता कोई मापदंड नहीं है, लेकिन हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि HRD मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो शैक्षिक कार्यों से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है, और उसमें अगर कोई पढ़ा मतलब क्वालिफाइड आदमी आता तो ज़्यादा अच्छा होता। और हमारी बेस्ट विशेष है स्मृति ईरानी जी के साथ, वो जैसा करेंगी अच्छा करें, हमारी बेस्ट विशेष है, अब तो मंत्री बनी गई हैं। और जहाँ तक एफिडेविट की बात है तो देखिए 2012-14, लेकिन उससे पहले का एफिडेविट क्यों गलत? स्मृति ईरानी जी कहीं BA दिखा रही हैं, कहीं BCom दिखा रही हैं,
तो ये तो बहुत संशय का मसला है और इसको तो देखना चाहिए कि भाई एक जो एचआरडी मिनिस्टर हमारा आज की डेट में है वो दो एफिडेविट अलग अलग शैक्षिक योग्यता के साथ दिखा रहा है या ग्रेजुएट होगा तभी वो फॉर्म भर सकता है। तो अगर वो बीकॉम फर्स्ट ईयर तक अपीयर रही है उसका जिक्र अब कर रही है नहीं तो हमें नहीं लगता कोई इसमें ऐसी चीज थी जिसको छुपा करके कोई लाभ सीधा लिया जा रहा था उसमें। नहीं, हम इसको टाइपिंग एरर विनय जी नहीं मानते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आदमी बहुत सोच समझ के लगाता है एफिडेविट और वो भी जिस वक्त राज्यसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई टाइपिंग एरर है और ये हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी जी ने गलत दाखिल किया है और इसके ऊपर उनको बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। महेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं, खासतौर पर खुद स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनके काम से उनको परखा जाए और जिस तरह की बातों का जिक्र ईशान साहब कर रहे हैं कि क्यों गलत एफिडेविट दिया 2004 में कुछ और 2012 में कुछ और, आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों आई कि बीजेपी आज जिस तरह से स्मृति ईरानी प्लस जो आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, आप एफिडेविट दो दो गलत अलग अलग एफिडेविट पेश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, और हम अगर अपोजिशन में है कुछ गलत होगा तो हम उस पर जरूर मुद्दा बनाएंगे, हम उस पर जरूर बोलेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब हम अपोजिशन में है, जब आप अपोजिशन में थे आप मुद्दे उठाते थे, आपको जो गलत लगता था उस पर बोलते थे, आज हमको कुछ गलत लग रहा है, हमें कोई मुद्दा ऐसा लग रहा है तो हम उसको जरूर उठाएंगे, यही इस लोकतंत्र की शान और पहचान। लेकिन आपने देखा अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र परासर ने बताया कि के कामराज जो थे खुद ड्रॉप आउट थे, उन्होंने मिड डे मील की शुरुआत की जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट। शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, देखिए विनय जी यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, नहीं तो उसमें शिक्षा मंत्री पॉलिसी बात हो रही है विनय जी, पॉलिसी के सामने आती है कि किस तरह का एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आजकल हो रहा है कि एफडीआई के थ्रू हम बाहर के भी यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ दाखिल होने का मौका दें, तो इसमें तो पॉलिसी डिसीजन लेना होता है एचआरडी मिनिस्टर को, इसमें क्या प्रॉब्लम। अगर जो चीजें आएंगी पॉलिसी मैटर के हिसाब से वो चीजें उसको डिस्कस करना, अपने अधिकारियों से राय लेना है, इसमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जी ईशान साहब, किससे पूछ रहे हैं आपने जी? नहीं, देखिए फिर हाँ। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं विनय जी, मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूं, मैं किसी और डिपार्टमेंट में कोई मंत्री था इतना कम पढ़ा लिखा, तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में पढ़ाई लिखाई का कोई मापदंड नहीं होता, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री कोई ऐसा शिक्षित होता तो ज्यादा अच्छा होता हमारे हिसाब से, और जिस तरह से दो दो एफिडेविट अलग अलग दाखिल किए हैं उसके ऊपर भी हमें लगता है कि इनको जो है स्मृति ईरानी जी को अपना पक्ष रखना चाहिए।